अस्पताल से लोगों का हो रहा है मोहभंग। चिकित्सक करते हैं अपनी मनमर्जी। मालपुरा उपखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डिग्गी कस्बे के CHC अस्पताल में चिकित्सकों की मनमर्जी के चलते स्थानीय एवं क्षेत्र के लोगों का मोहभंग हो रहा है। अस्पताल समय पर नहीं मिलते हैं। अस्पताल में चिकित्सक अस्पताल में देखने के बजाय अपने क्वार्टर पर ज्यादा देखना पसंद करते हैं। फीस के चक्कर में चाहे अस्पताल परिसर में दर्द से कराहते मरीज की जान भी क्यों नहीं चली जाए। आज भी 9 बजे का समय होते हुए भी 9 बजे के काफी देर बाद पहुंचे चिकित्सक, वो भी मरीजों व ग्रामीणों के हल्ला करने पर पहुंचे। आए दिन सब देखने को मिलता है, पर उसके बावजूद चिकित्सक समय पर नहीं मिलते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में CMHO टोन को जानकारी दी तो CMHO ने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया और कहा कि इसमें मैं क्या करूं, अस्पताल के ताले लगा दो। यह एक अधिकारी का भी व्यवहार, डिग्गी चिकित्सकों का भी ऐसा ही है हाल, जिससे जनता है त्रस्तिक और राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग को अंधेरे में रखा जा रहा है। वही स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग के निर्धारित मापदंडों व नियमों की अवहेलना कर चिकित्सक लिखते हैं बाहर की दवाइयां, जिससे मेहनत कश मरीजों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। ही नहीं, मरीज को जिस जांच की जरूरत ही नहीं, उस जांच को करवाने के लिए मरीज को हाथ में स्लिप थमा देते हैं बाहर की दवाइयों की स्लिप के साथ में, जिससे लाचार मरीजों का जीना दूभर हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों का चिकित्सकों के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है। वहीं अस्पताल में करीब 6 चिकित्सकों का स्टाफ है, पर समय पर एक भी चिकित्सक नहीं मिलता है। क्या हुआ आपके? मेरे कल एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पे पैर में दर्द है और थप्पे में दर्द है, इधर पट्टी करवाई थी, पेट पर कोई पराइलेट करवाई थी कल। पट्टी मर मेरी बात सुनो तो, मैं आप यहाँ से क्यों गए अस्पताल से, ये बताओ कोई एक ड्यूटी आने के बाद ड्यूटी से क्यों गए? 9 बजे पहले जो ऑन कॉल होगा वही डॉक्टर आएगा। मतलब क्या रहता है CAC का? मतलब ये रहता है भाई, कोई नहीं भाई, नाने कोने से जाओ, CAC का मतलब ये है भाई, 8 बजे आपकी इच्छा हो जो करो, CAC का मतलब ये है, CAC का मतलब आपकी दादागिरी है, CAC का मतलब डॉक्टरों की दादागिरी है, CAC का मतलब भाई क्या दादागिरी हुई इसमें? आप उठा टाके क्यों नहीं लगा के सारे इलाज हो गया, एक्सीडेंट हो गयो, और यहाँ जो मरीज बहुत आया था जो कोई संभाल ही कौन है। बच्चे के कैनोडा लगा के पट्टी करके बाद में गया हूँ, और फिर उनके कौन करेगा? ऐसी बात मत करो, दूसरे कौन करेगा? नहीं, कौन से दूसरे की? वो जो उसका पिताजी था, बच्चे का पिताजी, उसकी कौन करेगा? उसको यार मैंने जिम्मेदारी है आपकी प्रोसेस का मतलब मार दोगे किसी को भी? अब मैंने कितनी आवाजें लगाई आप ये अकेले वो मुकेश जी बंधवा रहे पट्टी में, देखिए आके ये भी झूठी बातें हैं तुम, एक भी डॉक्टर नहीं है, ये मतलब दिखाने के लिए आते हैं, कभी भी नहीं मिलता है। और अभी 9:15 पे 30 मिनट हो गई। हाँ शायद डॉक्टर नहीं है यार। इलाज कराने आए हो आप? हाँ। कितना समय हो गया आपको? करीबन 2 घंटे हो गए। 1 घंटे हो गए। फिर भी कोई डॉक्टर देखने नहीं आया आपको? नहीं है यार। एक मिनट शांति करो, बिना शांति कोई बात, एक आदमी बात करो, समझो, बात सुनो। वो आदमी मेरे मिलने वाले थे, मेरे को फोन किया गया यार, मेरे रिश्तेदार को ऐसे हो गए, बहुत भयंकर है, मैं किराड़ से ही आ गए,
से यहाँ आ गए और जयपुर से गाड़ी यहाँ आ गई तो वो सीरीज से तो आप एम्बुलेंस करके भी इसको ये कहो भाई मेरी बस की बात नहीं इसको आप दे जा रहे मेरी बात सुनो ये तो कम से कम आपका फर्ज बनता था अब मेरी बात सुनो अब मेरी बात सुन लो अब मेरी बात सुन वो भर जाए तो भी इससे कोई मेरी बात अब मेरी बात सुनो आप किसका आपको पता नहीं क्या किसका एक्सीडेंट हुआ है मेरे क्वार्टर तक गया मैं वहां से उसको लेके आया बच्चे के पट्टी की बच्चे का खून बह रहा था बच्चे का इलाज किया बच्चे के कैनुला फिक्स करके बच्चे के फ्लूड चला करके बाद में बच्चे का पट्टी करके बच्चे के पिताजी साथ में थे मैंने उनको राम कल्याण जी को मैंने बोला कि इनके पट्टी करो भाई पहले जिस चीज का आदमी का तकलीफ ज्यादा होगी उसी का तो इलाज होगा बाद में मैंने 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर को बोला कि जाना मत लेकर के जाना इनको SMS देखो 108 को जाने नहीं दे यहाँ पे 108 खड़ी रही है अरे 108 मेरे कहने से नहीं जाती 108 जयपुर के फोन करने से जाती है।